मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संचालित सात निश्चय योजना के तहत महत्वाकांक्षी योजना केवाईपी के लिए इंटेलिस में नामांकन प्रारंभ किया है। नामांकन प्रारंभ की अंतिम तिथि 16 फरवरी रखी गई है। इस वर्ष इंटर की परीक्षा में शामिल छात्र छात्रा अपनी नामांकन करा स्किल का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बनने का सुनहरा अवसर है। इस संबंध में इंटेलिस के निदेशक से हुई खास बातचीत में देखे क्या क्या मिलेगी सुविधा। डी 11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार दीपक जी, और सबसे पहले मैं जो इस साल जो बच्चे 12th के एग्जामिनेशन दिए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि वो जब तक उनकी रिजल्ट आएगी तब तक वो केवाईपी को पूरा कर लें। कुशल युवा प्रोग्राम ये नाम ही काफ़ी है उनके जीवन को बदलने के लिए। कहा जाता है कि अगर बच्चे इंटरमीडिएट कर लिए उनका अब करियर स्टार्ट होता है, और कुशल युवा प्रोग्राम उनको करियर डिसाइड करने में अहम भूमिका निभाती है। और हम कह सकते हैं ना कि कुशल युवा प्रोग्राम से वो सही दिशा में उनका क्या करियर होना चाहिए, कैसा उनका करियर होना चाहिए और क्या वो सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस कोर्स को करने के बाद उनको पता चल जाता है। इसमें सर कितने समय लगते हैं? हाँ, इसमें एक चीज़ हम लोग को बहुत समझना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, इसमें लैंग्वेज स्किल के साथ साथ सबसे जरूरी जो चीज़ है वो व्यवहार स्किल है। ये 3 महीने के कोर्स है, ये 3 महीने के कोर्स एग्जैक्टली ये 60 दिन का ही कोर्स है, लेकिन चूंकि छुट्टी और संडे होता है इसलिए 3 महीने के इसको ड्यूरेशन लेके चलते हैं। इस कोर्स में उनको ये सारे कुछ पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए एक मिनिमम उनका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, जो अभी इस बार 12th के एग्जाम दिए हैं उनका आराम से हो सकता है। प्लस उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। यह निःशुल्क है, और निःशुल्क बोलता हूँ तो ऐसा नहीं समझा जाए कि ये निःशुल्क है मतलब कि बस जैसे तैसे है। इस निःशुल्क कोर्स के लिए सरकार लाखों रुपये एक बच्चे पर खर्च कर रही है, ताकि ये बच्चा स्किल्ड हो और हमारे बिहार को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाए। धन्यवाद। कब तक सर इसका समय निर्धारित किया गया नामांकन का? यस, ये सबसे जो सही समय ये है इनका कि 15 तारीख तक इनको अगर ये एडमिशन ले लेते हैं तो ये जस्ट 16 तारीख से इनका क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत क्रूशियल टाइम है, कल परसों में 2 दिन के अंदर में मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे बात को सुन रहे हो वो जरूर से नामांकन कराए, सेंटर पे आए, निःशुल्क है, आए सेंटर पे, इंटेलस पहुँचे और इंटेलस में पहुँचने के बाद वो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 10 मिनट के लिए वो छपरा जाके वेरिफिकेशन करा के आएंगे, फिर वो एडमिशन करा लेंगे और उनका क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा, हमको लगता है कि 16 तारीख से। बहुत कितनी मुद्दों के बाद मिलने वाली थी आजादी कैद से, कितने मुद्दों के बाद मिलने वाली थी आजादी कैद से, लेकिन वक्त जब रिहाई का आया तब पिंजरे से प्यार उठा था। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना ही, लेकिन साथ में हमने अपने जिंदगी में भी कई सारे बदलाव लाए, हमारे अंदर भी कई तरह के बदलाव आए, जैसे कि हम बहुत कमजोर भी सोच पाते थे। यहाँ जो हम आए हैं पहले बोल नहीं पाते थे, जाने के बारे में भी सोचना पड़ता था कि अरे यार जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, लेकिन आज थोड़े तो मतलब हिम्मत हुआ कि हम यहाँ पे जाए कुछ बोले खुद से। आज लगता है कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, खुद से किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले किसी के सामने बोलने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन अब लगता है कि ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा ही बोल सकते हैं। ये सब किसी और का नहीं, भी सर का देन है। बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे।
और आज हम इस जगह से विदा ले रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी सर आपने हंसते हुए भी रुला दिया। थैंक यू।